आज हम सेकंड साउंड को देखते हैं। सेकंड साउंड, मैंने जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सेवन साउंड्स लगभग, हो सकता है एक आध और भी निकल जाए, बट सेवन साउंड्स बेसिकली इंग्लिश में थोड़े कठिन होते हैं, उनके उच्चारण में हमें प्रॉब्लम आती है, एंड इसलिए अगर हम इन सेवन साउंड्स को मास्टर कर लें तो हमारे लिए फिर इंग्लिश के साउंड्स इतने डिफिकल्ट नहीं होते। तो पहला वाला साउंड हमने देखा था, मुंह फाड़ के फैट 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 एंड फेट। देखिए, फेट में साइलेंट ई आया है एंड में, इसलिए मुंह कम खुला, फेट। आप साइलेंट ई का अगर रोल याद रखेंगे तो आपको प्रोनंसिएशन में आसानी रहेगी। जब कभी साइलेंट ई आता है एंड में मोस्ट वर्ड्स में, उनमें क्या होता है कि मुंह कम खुलेगा, जैसे हेट हेट हेट, ये कम खुला। हैट, मुंह ज्यादा खुला, क्योंकि साइलेंट ई एंड में था इसलिए मुंह कम खुला है। उसी तरीके से जैसे हम कहते हैं TASTE, चखना, TASTE, टेस्ट नहीं होता, टेस्ट टेस्ट नहीं, टेस्ट टेस्ट, बिल्कुल मुंह छोटा करो, टेस्ट, क्योंकि साइलेंट ई है, इसे टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट वेस्ट नहीं है, टेस्ट टेस्ट। साइलेंट ई के सारे साउंड्स आप प्रैक्टिस करो, टेस्ट, ए ए ए, ये साउंड है ए, जैसे हेट रेट, ए ए, उसी तरह से पेस्ट, PASTE, हम पेस्ट बनाते हैं, खाना बनाते हैं, प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बनाते हैं, टूथपेस्ट, किसी चीज को चिपकाते हैं, पेस्ट, ए ए, वो ए साउंड प्रैक्टिस करें, ए ए वाला साउंड साइलेंट ई के साथ आएगा। जब ए हो और एंड में ई आए, जैसे मैट में ए है और एंड में साइलेंट ई आया, तो वो मेट बन गया। उसी तरीके से पेस्ट टेस्ट, स्टेट STATE, स्टेट। तो ए वाला साउंड आप प्रैक्टिस करें ए के साथ। आज हम सेकंड साउंड पर जाते हैं, जिसको कि लोग कंफ्यूज करके बोलते हैं, क्योंकि हिंदी में ओ ओखली वाला है, इंग्लिश में एक अलग साउंड है। एक्सक्यूज मी, हिंदी में ओ ओखली वाला है, इंग्लिश में एक अलग साउंड है ओ। देखिए, ओ ओ ओ ओ ओ, जब हम कहते हैं होल 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 होल, और हम कहते हैं हॉल हॉल, यहां आपको वाइब्रेशन नजर आएगा, हॉल, यहां पकड़ कर बोलिए, हॉल, HALL, हॉल, TALL, टॉल, आपको यहां महसूस होगा, इस जगह को पकड़ कर बोलिए, मतलब यहां से साउंड निकलना चाहिए, टॉल, TALL, बोल नहीं होता, BALL, बॉल, बॉल, कॉल करो, नहीं, कॉल वॉल मत करो,
कॉल, CALL, कॉल, कॉल, यहां से आएगा साउंड। तो कॉल, बॉल, टॉल, हॉल, मॉल नहीं चलेंगे, मॉल, मॉल, ओ, यहां यहां से साउंड आएगा, तो आप मॉल नहीं बोल, मॉल, मुंह खोल कर और यहां मॉल, मॉल, पूरा मुंह आपने यूं खोला है और इस पार्ट से बोला है मॉल, MALL, वॉल, WALL, वॉल, मुंह पूरा खोलना, पूरा इंग्लिश साउंड सिस्टम मुंह कितना खुलेगा इस पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप प्रॉपरली मुंह खोलना, कितना कौन से साउंड में कितना खुलता है, देखिए मॉल, मॉल, पूरा मुंह यू खुला है और यहां से साउंड निकला, वॉल, टॉल, हॉल, पॉल, कॉल, ये सारा यहां से निकला। जबकि मैं कहती हूं होल, उसमें साइलेंट ई है पीछे, WHOLE, होल, 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 आपको यहां वाइब्रेशन नजर आएगा, होल, होल, HOLE, होल, साइलेंट ई है ना, इसलिए ओ, ओ, फाड़ा नहीं है मुंह, हो, ओ, वो लोग कहते हैं ओ, होल, होल, हम क्योंकि इंडियन इंग्लिश में बोलते हैं तो हम कहते हैं होल, बट होता वो होल है, ओ, उनका साउंड है वो, पर हम अभी के लिए ओ और ओ में फर्क समझ जाएं। ओ में देखो मुंह खुल नहीं रहा, ओ, होल, होल, ओ, एंड हॉल, मुंह पूरा फाड़ के जो बोला है वो है हॉल। तो HALL, CALL, TALL, CALL, जितने भी BALL, तो ये सारे के सारे, TALL, सारे के सारे आपके यहां से आए हैं। उसी तरह से डोल नहीं है, डॉल, डॉल, हॉल, डॉल, DOLL, डॉल, कॉल, हॉल, है ना। तो ये सारी चीजें, ये सारे साउंड्स यहां से आते हैं। इंग्लिश टेढ़ा यूं है कि इनका जो लैंग्वेज है वो एक जगह से नहीं आया है। इसलिए क्या होता है, क्योंकि लैंग्वेज एक सोर्स से नहीं आई, कुछ यहां से आया, कुछ वहां से आया, कुछ वहां से लिया, तो नियम भी अलग-अलग जगहों से आए हैं। इसलिए इनके प्रोनंसिएशन में प्रॉपर बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है, पर फिर भी हम कुछ तो रूल्स निकाल के बोल सकते ही हैं। तो ये दो साउंड्स आप प्रैक्टिस करें, मुंह फाड़ के यहां से बोलना हॉल एंड यहां से बोलना मुंह छोटा खोल के होल, होल, ये वाला साउंड। आज मैं थ्री वर्ड्स आपको बताना चाहती हूँ जो कि जनरली लोग रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं, तो हम उन थ्री वर्ड्स को देखें। सबसे पहले LION, जिसको कि लोग अक्सर लॉयन बोलते हैं, ये लायन, लायन, शेर, लायन, लॉइन भी एक वर्ड है। देखिए LION, लायन, शेर, LOIN, दोनों शब्दों में LOIN, LION सेम अक्षर आ रहे हैं, बस स्ट्रक्चर अलग है, LION, लायन, शेर, LOIN, लॉयन, जहां लंगोट बांधते हैं। अब आप देखिए शेर को अगर आप लॉयन कहेंगे तो लॉयन तो वो जगह है जहां आप लंगोट बांधते हैं, तो फिर वो लॉयन शेर नहीं है, पर शेर को लॉयन कहना गलत है, वो LION है और वो लायन है।
एक तो इस शब्द को याद रखें, दूसरा BEAR, बियर नहीं होता, बियर पीने वाला बियर है। इसका साउंड प्रैक्टिस कीजिए, बेयर, 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 इसको थोड़ा स्पीडली बोलिए, फिर बेयर, BEAR, बेयर। आप इतना खर्चा बियर नहीं कर सकेंगे, नो नो, बेयर नहीं कर सकेंगे, आप इतना खर्चा बेयर नहीं कर सकते। बेयर, भालू, बेयर, BEAR, बेयर। अ ट्री बेयर्स फ्रूट, तो बेयर, BEAR, बेयर, ये दूसरा शब्द। तीसरा शब्द IRON, ये आयरन नहीं होता, चाहे वो लोहा हो, चाहे इस्त्री करने वाला वो प्रेस हो, ये आयरन नहीं होता। इसका उच्चारण है आयन, आयन, आई अ न, आयन, 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 लोहा, आयन, इस्त्री करने वाला वो प्रेस, आयन, नॉट आयरन। तो इनको आप प्रैक्टिस करें। हम तीसरा साउंड अगले वीडियो में करेंगे।